Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि और इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पांच लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है हम लोग छठवें लेक्चर में है तो छठवां मॉड्यूल है इस सब्जेक्ट का जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं छठवां मॉड्यूल क्या है और ये विषय क्या है इसके बारे में मैं आऊंगा पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना बता दूँ आप सभी लोगों को तो जितने श्रोता हैं मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा बी एच यू से हुई है एल एल बी एल एल एम सारी पढ़ाई मेरी वहाँ से हुई है और पढ़ाई करने के बाद मैं न्यायिक अधिकारी भी था न्यायिक सेवा सर्विसेस आसाम में मैं न्यायिक अधिकारी था और इसके बाद मैं प्राध्यापन के कार्य में आ गया तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आप सभी लोगों को ताकि आप जाने कि आपको कौन यहाँ पे एड्रेस कर रहा है गैदरिंग को आपको ये चीज़ समझना चाहिए इसलिए मैंने ये चीज़ बता दिया अब देखिए जो छठवां लेक्चर हमारा है ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं आज्ञप्ति और निर्णय सिविल कोर्ट की आज्ञप्ति जिसको हम डिक्री बोलते हैं आज्ञप्ति को इंग्लिश में डिक्री बोलते हैं और सिविल कोर्ट का निर्णय जिसको हम हम जजमेंट जजमेंट बोलते हैं तो सिविल कोर्ट का डिक्री और ये ये क्या है लोगों को आज समझना है इस मॉड्यूल में इसके पहले ऑलरेडी पांच लेक्चर हम लोगों ने इसमें कर लिया है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पांच लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था ताकि आप कनेक्ट कर सके सब्जेक्ट को तो सिविल प्रक्रिया संहिता और परसिमा विधि में जो सबसे पहला लेक्चर हमारा था वो इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने सीपीसी को और परिसीमा विधि को इंट्रोड्यूस किया था कि ये बोलेंगे धारा नौ में लिखा हुआ है क्योंकि सीपीसी के तहत केवल और केवल सिविल प्रकृति के बाद का ही विचारण होगा तो हम लोग ये देखे थे कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो उसको डिटेल हम लोगों ने लेक्चर टू में किया था लेक्चर थ्री में जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने देखा था रेस जुडिकेटा और रेस्ट सब्जुडिस क्या है सेक्शन टेन बताता है रेस्ट सब जुडिस सेक्शन इलेवन बताता है रेस्ट जुडिकेटा तो इसको हम लोगों ने लेक्चर थ्री में देखा था इसके बाद लेक्चर चार में हम लोगों ने देखा था कि प्लेस तो इसमें हम लोगों ने देखा था वाद कहां पे दाखिल किया जाएगा सेक्शन पंद्रह से लेकर कि वाद दाखिल करने का स्थान क्या होगा तो इसको हम लोगों ने देखा उसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था अपोजिट पार्टी को जाएगा अपोजिट पार्टी को समन कैसे जाएगा जिस और आदेश पांच था तो उसमें हम हम लोगों लोगों ने देखा था को देखना है सिविल न्यायालय की डिक्री क्या है और सिविल तो इसके लिए हमारे पास कई धाराएं हैं अगर डिक्री की आप बात करेंगे तो इसमें धारा दो सब धारा दो है अगर जजमेंट की बात करेंगे स्लाइड पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आज्ञप्ति जो है डिक्री है वो धारा दो सब धारा दो में है निर्णय जो है वो धारा दो सब धारा नौ में है और धारा तैतीस डिक्री और जजमेंट दोनों की बात करता है और इसमें एक आदेश बीस है जो फिर डिक्री और जजमेंट दोनों की बात करता है तो आज्ञप्ति की जो परिभाषा है डिक्री की जो परिभाषा है जो इसकी डेफिनेशन है वो टू टू में है निर्णय जजमेंट की जो परिभाषा है टू नाइन में है और धारा तैतीस जो है निर्णय और जजमेंट दोनों की बात करता है और इसके बाद जो आदेश बीस है ये इसके प्रक्रिया की बात करता है कब कैसे निर्णय तैयार होगा कब कैसे डिक्री तैयार होगी ये सब उसमें लिखा हुआ है तो ये पूरा इसका स्टेच्यूटरी प्रोविजन है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब ध्यान दीजिए आप ये डिक्री और निर्णय क्या है इसको भी मैं कानून की भाषा में न बता करके मैं इसको बड़ा साधारण भाषा में आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप इसको पहले समझें फिर कानून की भाषा में आते हैं सेक्शन पे धारा पे आते हैं अभी लेकिन पहले आप साधारण भाषा में समझें जैसे हम बोलते हैं सिविल कोर्ट की डिक्री हमारे फेवर में पास हुई है या हम कहते हैं सिविल कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में पास हुआ है तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जजमेंट भी तो डिक्री ही है और डिक्री भी तो जजमेंट ही है क्योंकि दोनों कोर्ट की वर्डिक्ट है तो आखिर इसका दो नाम क्यों दे दिया गया एक को हम डिक्री कहते हैं एक को हम जजमेंट कहते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ध्यान दीजिए इसको जजमेंट जो है यह डिस्क्रिप्शन है यह इसमें कोर्ट जो है है पूरी बात लिखती है मुकदमे से संबंधित जजमेंट में माने प्लेंटिव कौन था उसने क्या बात बोला था डिफेंडेंट कौन था था उसने क्या बात बोला ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेंटिव और डिफेंडेंट क्या क्या विवादक निर्धारित हुए थे इशू क्या फ्रेम हुए थे वो बात बताई जाएगी इसके बाद हर विवादक पे हर हर इशू पे क्या क्या कोर्ट की फाइंडिंग थे ये बात बताई जाएगी और लास्ट में आर्डर सीट होगा जिसमें कोर्ट यह बताएगी कि यह मामला प्लेंटिव के फेवर में डिसाइड हुआ है कि डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड हुआ है तो जब आप जजमेंट पढ़ेंगे सिविल कोर्ट का तो उसमें आपको सूट के बारे में पूरी बात पता चल जाएगी पूरा इतिहास पता चल जाएगा कौन था क्यों मुकदमा दाखिल किया आपने मुकदमे में क्या बोला अपोजिट पार्टी ने अपने डिफेंस में अपने बचाव में क्या बोला अपोजिट पार्टी कौन था इसमें कौन कौन विवादक बिंदु थे हर विवादक बिंदु में कोर्ट ने क्या डिसीजन किया और लास्ट में कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी तो जजमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा तो जजमेंट कौन बोलते हैं डिस्क्रिप्शन आप सिविल प्रोसीडिंग तो सिविल प्रोसीडिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन है सिविल सूट का पूरा डिस्क्रिप्शन है लेकिन डिक्री क्या है डिक्री क्रक्स है डिक्री पूरे निर्णय का कंक्लूजन है जजमेंट के बाद डिक्री होती है डिक्री सेल्फ फॉलो दी जजमेंट तो पहले जजमेंट आएगा इसके बाद डिक्री आती है और जब डिक्री आएगी तो डिक्री पूरे जजमेंट का क्रक्स होगा जैसे हम कोई बात अगर एक घंटे में बोलते हैं और लास्ट में पांच मिनट में हम उसको कंक्लूड करते हैं तो डिक्री जो है कंक्लूजन है पूरे जजमेंट का जजमेंट में सारी बात लिखा गया था डिक्री में केवल ऑपरेटिव पार्ट लिखा होगा और कोर्ट उसमें बस यही लिखेगी कि फला वर्सेस फला इन द कोर्ट ऑफ सच एंड सच ये मैटर डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ प्लेटिव और डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगेंस्ट द डिफेंडेंट ये कोर्ट कहेगी कोर्ट का सिग्नेचर होगा सील हो जाएगा तो डिक्री बड़ा पेज की जजमेंट करती है समझना है तो आप ऐसे इसको समझेंगे पूरे निर्णय का लेकिन निर्णय पूरा डिस्क्रिप्शन है सिविल सूट का जिसमें प्लेटिव डिफेंडेंट विवाद्यक एविडेंसेस विटनेसेस पता चल जाएगा आपको उसको पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है डिक्री में

लेकिन यह डिक्री नहीं है निर्णय और डिक्री बाद में होगी जब मामले का अंतिम निस्तारण होगा कि यह प्रॉपर्टी आपकी है कि मेरी है तो यह निर्णय है लेकिन निर्णय के पहले सक्सेसिव ऑर्डर होंगे हर डेट पे आदेश होंगे तो आदेश में भी हंड्रेड एंड थाउजेंड इन पर्टिकुलर प्रोसीडिंग लेकिन डिक्री एक ही होगी और निर्णय एक ही होगा ध्यान दीजिए तो जब आप इसको समझते हैं इन तीनों चीजों को तो वेरी बिगिनिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिक्री क्रक्स है पूरे जजमेंट का जजमेंट डिस्क्रिप्शन है सिविल प्रोसीडिंग का और आर्डर में भी नुमरस इन ए पर्टिकुलर सिविल प्रोसीडिंग ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए तो इस बैकग्राउंड के तहत तो मैं इस मॉड्यूल को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं और हम लोग इसमें दो बातों की बात करेंगे जजमेंट एंड डिक्री आज्ञप्ति क्या है और निर्णय क्या है तो आगे की स्लाइड में देखिए परिभाषा ये आगे की स्लाइड केवल इतनी सी बात बताती है कि डिक्री की परिभाषा क्या है और जजमेंट की परिभाषा क्या है तो परिभाषा धारा दो दो में डिक्री की परिभाषा है और धारा दो नौ में जजमेंट की परिभाषा है तो अभी हम जजमेंट में नहीं जा रहे हैं डिक्री में आइए थोड़ा सा डिक्री की परिभाषा क्या है मैं यहां पर लिखा नहीं हूं अगर आप सीपीसी की धारा दो दो खोलेंगे तो आपको मेरे में दिख जाएगा उसमें लिखा हुआ है डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ध्यान दीजिए ये जो कानून की भाषा है ऐसे लिखा हुआ है डिक्री जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी एडजुडिकेशन का विच सो फार एज कोर्ट डिटरमाइंस इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द द राइट ऑफ ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल एनी मैटर कंट्रोवर्सी इन लिखा हुआ है डेफिनेशन में इसका मतलब अगर इसको बड़े आसान भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो डिक्री की परिभाषा में लिखा हुआ है कि डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी एडजुडिकेशन का जिसमें कोर्ट का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन विद रिगार्ड टू एनी ऑल और ऑन देंडिंग मैटर पे होता है और यह सूट पे होती है तो इसके कुछ एसेंशियल हैं डिक्री की परिभाषा के तो जब इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे दो दो की परिभाषा को तो इस परिभाषा को आप चार भाग में बांट सकते हैं सबसे जो पहला पहरा है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ए नेट जुडिकेशन विच सो फार एज कोर्ट डिटरमाइंस इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू वन ऑल ऑर ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट तो इसको जब आप देखेंगे तो ये डिक्री की परिभाषा है आगे लिखा हुआ है दूसरा जो पोर्शन है इस डेफिनेशन का वो बताता है डिक्री कितने तरीके की होगी तो उसमें लिखा हुआ है डिक्री में भी प्रिलिमरी डिक्री में भी फाइनल डिक्री में भी पार्टली प्रिलिमरी एंड पार्टली फाइनल ये बात है ध्यान दीजिए डिक्री प्रारंभिक हो सकती है डिक्री अंतिम हो सकती है डिक्री आधा अंतिम और आधा प्रारंभिक हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ डिक्री ध्यान दीजिए आगे लिखा हुआ है डीम डिक्री बट इट सेल डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेट एंड एनी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन वन फोर फोर यह सब आपको धारा दो दो में मिलेगा इट डीम टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेट रिजेक्शन ऑफ डीम डिक्री है और कोई डिटर्मिनेशन धारा एक सौ चौवालीस के तहत डीम डिक्री है तो यह तीसरा जो कॉम्पोनेंट है इस डेफिनेशन का इसको हम बोलते हैं डीम डिक्री और चौथा कॉम्पोनेंट है कि क्या डिक्री के अंदर नहीं आएगा एक्सेप्शन है डिक्री का क्या पॉइंट नंबर फर्स्ट अपीलेबल ऑर्डर जितने हैं वो डिक्री नहीं है और एक बात है कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट भी डिक्री नहीं है तो इस सबको मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा लेकिन अभी धारा दो दो की जब हमने बात किया तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया कि इस धारा को आप चार भाग में डिवाइड कर सकते हो सबसे पहला पैरा एक्चुअल डेफिनेशन की बात करता है दूसरा पैरा काइंड्स ऑफ डिक्री की बात करता है तीसरा पैरा डीम डिक्री की बात करता है और चौथा पैरा बताता है कि डिक्री के अंदर क्या नहीं आएगा डिक्री का एक्सेप्शन क्या है ये चार चीजें अब एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं और एक एक मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिए सबसे पहला पैरा जिसमें डिक्री की एक्चुअल डेफिनेशन है ये क्या है देखिए डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ये बिगनिंग लाइन है धारा दो दो की डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन इसका क्या मतलब भाई डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है इसका मतलब डिक्री का जो एक्सप्रेशन होगा ये फॉर्मल होगा इनफॉर्मल नहीं होगा एक फॉर्मेलिटी बताई गई है सीपीसी में उस फॉर्मेलिटी का कंप्लायंस होगा और उसी फॉर्मेलिटी के तहत तो डिक्री पास करी जाएगी फॉर्मेलिटी क्या है हर डिक्री का एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है सीपीसी के अपेंडिक्स डी में और उस अपेंडिक्स डी में जो प्रारूप है उसी प्रारूप पर डिग्री इशू की जाएगी जैसे मान लीजिए डिग्री फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट डिग्री फॉर डिवोर्स डिक्री फॉर पार्टीशन ऑफ इोवेबल प्रॉपर्टी अब कैसा मामला है और कैसी डिक्री है तो उसका क्या प्रारूप होगा यह सब बताया गया अपेंडिक्स डी में तो इसलिए हम बोलते हैं डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए तो ये जो बिगनिंग लाइन है डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है इसमें कहा न्यायालय का नाम होगा कहा पार्टीज का नाम होगा और कहां पे जज साहब का सिग्नेचर और सील होगा कहां पे डेट होगा ये सब फॉर्मेट में बताया गया है उसी फॉर्मेट के तहत डिक्री पास की जाएगी विभिन्न मामलों में विभिन्न तरीके का फॉर्मेट है और डिक्री अकॉर्डिंगली पास की जाएगी तो मैं जो समझ पा रहा हूं मैंने आपको ये पहला बात बताया डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है पहला एसेंशियल है अब दूसरे पे आइए डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ध्यान दीजिए एडजुडिकेशन क्या है न्याय निर्णयन बोलते हैं इसको हिंदी में तो डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है लेकिन क्या सारे फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री हो जाएंगे नहीं बहुत फॉर्मल एक्सप्रेशन है सीपीसी -सी में लेकिन डिक्री नहीं है तो डिक्री होने के लिए एडजुडिकेशन होना चाहिए वो फॉर्मल एट क्या होना चाहिए वो फॉर्मल एक्सप्रेशन एडजुडिकेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का मतलब न्याय निर्णय ध्यान दीजिए माने डिक्री के लिए न्याय निर्णय बहुत जरूरी है एडजुडिकेशन बहुत जरूरी है न्याय निर्णय क्या है मामले को गुण और दोष के आधार पर डिसाइड करना मैटर मस्ट बी डिसाइडेड ऑन मेरिट मेरिट को बोलते हैं गुण और दोष के आधार पर आधार परिफोर ऐसा नहीं अपने दिमाग से अपने कर देंगे नो no, गुण दोष के आधार पर मैं कह रहा हूं हमारी है आप कह रहे हैं कोर्ट जब इसको डिसाइड करेगी मेरिट पर डिसाइड करेगी पक्षकारों को बुलाएगी गवाहों को बुलाएगी साक्षियों को बुलाएगी सबको देख करके डिसाइड करेगी तो हम इसको बोलेंगे क्योंकि मैटर हैज डिसाइडेड ऑन मेरिट तो एट जुडिकेशन पे होना चाहिए ठीक है तो डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री इज एन एट जुडिकेशन ध्यान दीजिए अब डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एट जुडिकेशन विच सो फार एज कोर्ट डिटरमाइंस इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टी ध्यान दीजिएगा ये तीसरा एलिमेंट है इसका Decree the conclusive determination of the matter. Conclusive determination का क्या मतलब जब यह matter determine कर दिया गया तो न्यायालय का दरवाजा बंद हो गया कंक्लूसिव डिटरमिनेशन माने अब डोर ऑफ द कोर्ट इज क्लोज फॉर दिस मैटर क्योंकि कंक्लूसिव डिटरमाइन हो गया मामला बंद हो गया अब आप चाहेंगे कि डिक्री के बाद फिर इसी मामले को यही दोनों पार्टी इसी कोर्ट में लेके आए ना कोर्ट का दरवाजा इसके लिए बंद हो जाएगा क्योंकि मैटर हैज ऑलरेडी बीन बीन कंक्लूसिवली बाय द पार्टी है एक्स की, की, की है जैसे ही डिसाइड कर दिया गया अब यह मामला उसी कोर्ट में फिर से नहीं आ सकता क्योंकि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है तो डिक्री कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है अब ध्यान दीजिए आगे डेफिनेशन बताती है विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन दिस सूट क्या चीज है भाई विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन दिस सूट मान लीजिए हम मुकदमे में चार कंट्रोवर्सियल पॉइंट रेज किए हैं बीइंग बिंग दिप्लेंटिव और डिफेंडेंट ने भी चारों पे डिफेंस लिया है तो चार कंट्रोवर्सियल पॉइंट है आउट ऑफ फोर कंट्रोवर्सियल पॉइंट कोर्ट ने तीन को डिसाइड कर दिया और एक को लेफ्ट आउट कर दिया मान लीजिए तो या तो चारों के चारों कंट्रोवर्सियल पॉइंट डिफाइंड कर दिए गए हैं और डिसाइड कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा फिर भी ये डिक्री है मान लीजिए चारों कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं डिसाइड किए गए हैं तीन डिसाइड किए गए एक लेफ्ट आउट है है फिर भी ये डिक्री डिक्री तो केवल इस आधार पे कि सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं डिसाइड किए गए ये डिक्री होने से कम नहीं हो जाएगी फिर भी डिक्री होगी तो ये विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी इन द प्रोसीडिंग तो चाहे तो सारे और चाहे तो कुछ फिर भी ये डिक्री है और ये सूट पे होना चाहिए ध्यान दीजिए ये सूट पे होना चाहिए डिक्री अप्लीकेशन पे नहीं होती डिक्री साधारण पिटीशन पे नहीं होती डिक्री के लिए सूट का होना आवश्यक है बिना सूट इंस्टीट्यूट के डिक्री नहीं होगी आप पूछेंगे सूट क्या है सूट के लिए आपको देखना पड़ेगा धारा 26 आदेश 4 सीपीसी का धारा 26 आदेश 4 मैं फिर बोल रहा हूं धारा 26 और आदेश 4 में बताया गया है हाउस कैन बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द सिविल कोर्ट और सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, लिए लिखा हुआ है इट शुड बी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इन डुप्लीकेट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ दो प्रतियों में वाद पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा न्यायालय में न्यायालय उसको रजिस्टर्ड कर लेगी जिस दिन रजिस्टर्ड कर लेगी उस पर नंबर पड़ जाएगा उस दिन सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा तो सूट इंस्टीट्यूट करने का तरीका है धारा आदेश में सूट पे ही डिक्री होगा सिंपल पिटीशन पे आर्डर हो सकता है डिक्री नहीं होती है तो ये सारे इसके एसेंशियल हैं क्या क्या है डिक्री की परिभाषा में डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री एडजुडिकेशन है डिक्री कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है डिक्री चाहे तो सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट को या कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट को डील करती है और डिक्री सूट पे होनी चाहिए पांच एसेंशियल एलिमेंट है अगर ये पांचों स्थापित हो गए और तब जो निर्णय हुआ है इस निर्णय को हम डिक्री बोलते हैं ठीक है ना तो ये हो गया एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द टर्म डिक्री अंडर सेक्शन टू सेक्शन टू अब दूसरा इसमें सेगमेंट आइए धारा दो सब धारा दो में दूसरा जो है वो है काइंड ऑफ डिक्री ध्यान दीजिए डिक्री में भी प्रिलिमरी डिक्री में भी फाइनल डिक्री में भी पार्टली पार्टली एंड फाइनल ये तीन तरीके हैं डिक्री प्रारंभिक हो सकती है डिक्री अंतिम हो सकती है और डिक्री आधा अंतिम आधा प्रारंभिक हो सकती है अब ध्यान दीजिए प्रारंभिक डिक्री क्या है और अंतिम डिक्री क्या है प्रारंभिक डिक्री ये है जिसमें कुछ मामला अभी एट टू बी डिसाइडेड है अभी कुछ मामले को डिसाइड करना है तो हम इसको बोलते हैं प्रारंभिक डिक्री इसको बोलते हैं प्रारंभिक डिक्री अगर कुछ मामला डिसाइड करना है तो लेकिन अगर मामला पूरा का पूरा डिसाइड कर दिया गया तो हम इसको बोलते हैं अंतिम डिक्री अब क्वेश्चन है कि मामला अभी एट टू बी डिसाइडेड इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण देकर के जैसे मान लीजिए मैंने वाई के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया और मैं कहता हूं कि जज साहब वाई ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है जबकि यह घर हमारा है मैं ये बात बोल रहा हूं तो यह घर हमको दिलवा दिया जाए और बदले में मैं कोर्ट से कहता हूं कि जज साहब चूंकि ये घर दस साल से इसने कब्जा किया है तो जो भी इसने बीच में प्रॉफिट कमाया है वो भी हमको दिलवा दिया जाए तो कोर्ट में मामला यह चला जाता है कोर्ट इसको डिसाइड कर दिया डिसाइड करने में चार पांच साल लग गया तो दसों साल वो घर पे कब्जा किया हुआ है पांच साल के बाद सारे एविडेंसेस और विटनेसेस को देखने के बाद कोर्ट ने इस घर को हमारे फेवर में डिसाइड कर दिया तो तो ये तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ये घर हमारा है लेकिन पांच दस साल में जितना रेंट उसने रिसीव किया है अनलाफुल पोजेशन में वो रेंट के लिए भी मैं लाइबल हूं मैं इंटाइटल्ड हूं उस रेंट को रेंट को इंटरेस्ट के साथ हम इंटाइटल्ड हैं उसके लिए अब क्वेश्चन है कि मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे मीन प्रॉफिट भी चाहिए इसको मीन प्रॉफिट बोलते हैं ड्यूरिंग रांगफुल पोजेशन जो भी गेन करता है अपोजिट पार्टी उस गेन को हम बोलते हैं मीन प्रॉफिट मध्यवर्ती लाभ तो मध्यवर्ती लाभ के लिए भी मैंने पेटीशन फाइल किया हुआ है तो कोर्ट ने ये तो डिसाइड कर दिया ये घर हमारा है लेकिन मध्यवर्ती लाभ हमको कितना मिलेगा कोर्ट को अभी ये डिसाइड करना है क्योंकि ये तुरंत कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती अब कोर्ट को पहले पता करना पड़ेगा कि अच्छा ये घर कहां पे है घर कानपुर सेंट्रल के पास है कानपुर सेंट्रल में सर्किल रेट क्या है दो कमरे के घर का मान लीजिए दो कमरे का घर है तो सर्किल रेट यह चल रहा है जो गवर्नमेंट का रेट है तो उस हिसाब से दस साल का किराया कितना उसमें कितना इंटरेस्ट हुआ यह सब कोर्ट को कैलकुलेट करना है अभी क्योंकि सर्किल रेट गवर्नमेंट से मंगवाएगी फिर कैलकुलेट इसमें टाइम लगता है तो मामला तो यह डिसाइड हो होगा प्रॉपर्टी हमारी है लेकिन अभी मीन प्रॉफिट कितना मिलेगा ये अभी एट टू बी डिसाइडेड है तो हम इसको बोलते हैं कि ये मामला कैसा है जहां तक घर के ओनरशिप का सवाल है अंतिम डिक्री है जहां पे मध्यवर्ती लाभ का सवाल है यह प्रारंभिक डिक्री है क्योंकि अभी इसमें डिसीजन होना बाकी है तो हम इसको बोलते हैं डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है डिक्री अंतिम भी हो सकती है अब देखिए मध्यवर्ती लाभ के लिए डिक्री प्रारंभिक है कुछ दिन के बाद पता चलेगा हमको कितना अमाउंट मिलेगा और घर के ओनरशिप के लिए डिक्री अंतिम है क्योंकि यह घर हमारा है तो डिक्री प्रारंभिक भी हो सकती है अंतिम भी हो सकती है ड्री आधा प्रारंभिक और आधा अंतिम हो सकती है ध्यान दीजिए अब इसी मामले को ले लीजिए अगर क्लब कर लीजिए इसको एक साथ हमने इस घर के लिए मुकदमा किया और मध्यवर्ती लाभ भी क्लेम किया तो जहां तक घर के ओनरशिप का सवाल है एक ही डिक्री है लेकिन जहां तक घर के ओनरशिप का सवाल है आधी डिक्री अंतिम है जहां पे मीन प्रॉफिट की बात है अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट उसमें आधी डिक्री प्रारंभिक है तो डिक्री में भी फाइनल डिक्री में भी प्रिलिमरी डिक्री में भी पार्टली फाइनल पार्टली प्रिलिमरी ठीक है ना तो ये लिखा हुआ है दूसरा जो कंपोनेंट था इस धारा दो सब धारा दो में ऑफ डिक्री अब तीसरे में आइए तीसरा है डीम डिक्री ध्यान दीजिए डीम डिक्री जिसमें हम लोगों ने दो बात किया था रिजेक्शन ऑफ प्लांट इसी धारा में देखेंगे नीचे आपको देखेगा बट इट डीम टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन वन फोर फोर तो रिजेक्शन ऑफ प्लांट और डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन वन फोर फोर यह दोनों डीम डिक्री है ध्यान दीजिए रिजेक्शन ऑफ प्लैंट ऑर्डर सेवन रूल इलेवन सीपीसी सीपीसी का आदेश सात नियम ग्यारह यह बताता है रिजेक्शन ऑफ प्लांट क्या है तो रिजेक्शन ऑफ प्लांट इज डीम डिक्री अब ध्यान दीजिए रिजेक्शन ऑफ प्लांट जो ऑर्डर सात रूल ग्यारह में दिया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि फलाफला ग्राउंड पे प्लेंटिव का प्लांट रिजेक्ट कर दिया जाएगा फलाफला ग्राउंड पे अब मान लीजिए वो सारे ग्राउंड जैसे उसमें एक ग्राउंड है कि मान लीजिए आपने काज ऑफ एक्शन नहीं डिस्कलोज किया है या आपने कोर्ट फीस नहीं जमा किया है सफिशियंट या आप स्टैंप नहीं किए हैं प्रॉपरली स्टैंप नहीं है आपका सूट तो आपका प्लांट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड जब आपका प्लांट रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो रूल तेरह में लिखा हुआ है आदेश सात के रूल तेरह में कि अगर उस डिफेक्ट को आप दूर कर देते हैं जिसके आधार पर आपका प्लांट रिजेक्ट हुआ था तो आप फिर से उसी न्यायालय में फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो

लेकिन यहां रिजेक्शन आप प्लांट में ऐसा नहीं है कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था कि आपका प्लांट रिजेक्टेड क्योंकि आपने स्टैंप नहीं लगाया है लेकिन जब मैं स्टैंप लगा के फिर लेके आता हूं तो रूल थर्टीन में है कि मैं फिर से इंस्टीट्यूट कर दूंगा अगर ये डिग्री होती साधारण डिग्री होती तो फिर हम सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं क्योंकि न्यायालय का दरवाजा बंद हो जाता है लेकिन चूंकि कि डीम डिक्री है इसीलिए इसको डीम डिक्री की कैटेगरी में रखा हुआ है क्योंकि ये टेक्निकल ग्राउंड पे डिसाइड है, मेरिट पे डिसाइड डिसाइड हुआ हुआ है है मेरिट नहीं इसलिए हम इसको कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं मानेंगे एक एलिमेंट मिसिंग है इसमें चारों एसेंशियल है लेकिन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं है तो इसलिए हम इसको डीम डिक्री मानते हैं न कि हम इसको रेगुलर डिक्री मानते हैं सिमिलरली रिस्टिट्यूशन है ध्यान दीजिए धारा एक के तहत निर्णय ये भी डीम डिक्री है रिस्टिट्यूशन रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टी को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे रख देना जैसे मैंने इस पेन के लिए मुकदमा दाखिल किया कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन में कानपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने यह पेन हमारे प्रतिवादी के फेवर में डिसाइड कर दिया और हमारे अगेंस्ट डिसाइड कर दिया मैं इसे अग्रीब हूं मैं इसकी अपील फाइल करता हूं सिविल जज सीनियर डिवीजन कानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह पेन हमारे फेवर में डिसाइड कर दिया जबकि जूनियर डिवीजन ने प्रतिवादी के फेवर में डिसाइड कर दिया था अब मैं कहता हूं कि भाई ये अगर जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने गलत डिसीजन नहीं दिया होता तो हमको सीनियर डिवीजन तक परेशान नहीं होना पड़ता ये हमारा दसों साल का समय लग गया अपील करने में और इस बात को अपने फेवर में निस्तारित करवाने में तो हमको बड़ा टाइम लगा हमारा खर्चा हुआ मेंटल हरासमेंट हुआ तो ये सब के लिए हमको कंपनसेशन दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं रिस्टिट्यूशन हम ओरिजिनल पोजीशन पर रखे जाएंगे क्योंकि हमारी तो प्रॉपर्टी थी चूंकि न्यायालय ने, ने गलत डिसीजन दे दिया इसलिए हमको हरा सुना पड़ा तो हमको ओरिजिनल सिचुएशन पर रख दिया जाए तो जो भी हमारा खर्चा खुर्ची जो भी लगा हुआ है जो भी मेंटल पेन और सफरिंग है इसके लिए कंपनसेशन दिलवाएगी और ये रिस्टीट्यूशन का अप्लीकेशन पड़ता है सूट नहीं पड़ता इसमें अप्लीकेशन पड़ता है किस कोर्ट में पड़ता है जिसने बाद में डिसाइड किया है तो उसी कोर्ट में हम रिस्टीट्यूशन डालेंगे और उस कोर्ट हमको रिलीफ दिलवाएगी रिस्टीट्यूशन में तो चूंकि रिस्टीट्यूशन सूट पर नहीं होता अप्लीकेशन पर होता है जबकि डिक्री होने के लिए हम लोगों ने देखा था सूट पे निस्तारण होना चाहिए सूट क्या सेक्शन 26 आदेश 4 मैंने आपको बताया था लेकिन जो ये रिस्टिट्यूशन है रिस्टिट्यूशन अपीलिकेशन पे होता है तो चूंकि अप्लीकेशन पे होता है इसलिए ये सूट है ही नहीं तो एक एसेंशियल मिसिंग है तो हम इसको फॉर्मल डिक्री न बोले क्या बोलेंगे डीम डिक्री तो इसलिए दोनों डीम डिक्री में आते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट रिजेक्शन ऑफ प्लांट और पॉइंट नंबर सेकंड एनी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144. अब चौथा जो कंपोनेंट है सेक्शन टू सब सेक्शन टू का ये है एक्सेप्शन टू दिक्री डिक्री डिक्री में क्या नहीं आता तो इसमें दो बात है ध्यान दीजिए अपीलेबुल सौ चार आदेश फोर्टी थ्री सीपीसी का धारा एक सौ चार आदेश फोर्टी थ्री अपीलेबुल डिक्री नहीं है साफ साफ लिखा हुआ है अब ध्यान दीजिए अपीलेबुल आदेश की अपील नहीं होती जनरली अपील हमेशा का हमेशा डिक्री और निर्णय का ही होता है आदेश की अपील नहीं होती क्यों आदेश की अपील नहीं होती क्योंकि हर मुकदमे में हर डेट पे आदेश होगा और अगर हर डेट का आदेश होगा तो हर डेट का आदेश अगर अपीलेबुल हो जाएगा तो जैसे ही अपील आप फाइल करते हैं ओरिजिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है कि चलो अपीलेट कोर्ट को डिसाइड कर लेने दो तो क्या होगा हर आदेश की अपील होगी और ओरिजिनल मुकदमा पेंडिंग हो जाएगा जब वो अपील निस्तारित होगी तो फिर मुकदमा आगे बढ़ेगा तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा किसी मामले में क्योंकि हर आदेश की अपील हो जाएगी तो इसीलिए सीपीसी आदेश को अपीलेबल नहीं बनाई है सीपीसी कहती है केवल डिक्री का अपील होगा आर्डर्स का अपील नहीं होगा लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं सिविल प्रोसीजर कोड में जो व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित हैं ऐसे आदेशों की अपील होती है और इस आदेशों की जो लिस्ट है वो धारा 104 आदेश 43 में लिखा गया है लिस्ट है पूरे आदेशों की तो ऐसे अगर आदेश हैं तो अपीलेबुल आदेश हैं इनकी अपील होती है तो इसको डिक्री के डेफिनेशन में क्लियर किया गया है कि ऑल दो दीज आर अपीलेबल आर्डर्स बट योर कॉन्सेप्ट बी क्लियर इन दिस पॉइंट कि दीज आर अपीलेबल बट दीज आर नॉट डिक्री ठीक है ना तो ये अपीलेबुल आदेश होने के बाद भी ये डिक्री नहीं है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए आपको ये नहीं समझना है कि चूंकि केवल डिक्री की अपील होती है और इस आर्डर की भी अपील हो गई तो ये भी डिक्री है ना ये अपीलेबुल ऑर्डर जरूर है जबकि आर्डर्स की अपील नहीं होती लेकिन ये डिक्री नहीं है ध्यान दीजिए ये केवल अपीलेबल आर्डर्स हैं तो ये डिक्री का एक्सेप्शन है अपीलेबल आर्डर्स आर नॉट डिक्री तो ऑल जो दोन किए गए हैं सेक्शन था और आदेश फोर्टी थ्री ऑर्डर तो जरूर है लेकिन डिक्री नहीं है लास्ट पोर्सन सेक्शन टू सब सेक्शन टू का इसको क्लियर करता है और दूसरा है फॉर डिफॉल्ट ये भी डिक्री नहीं है फॉर डिफॉल्ट ये क्या है जब आदेश नौ पढ़ेंगे सीपीसी का तो उसमें दो बात है एक्स पार्टी डिक्री और सूट का डिसमिसल प्लेंटिव सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट और डिफेंडेंट नहीं आता है प्लेंटी बार बार आता है तो जो मामले का निस्तारण होगा वो एक्स पार्टी होगा क्योंकि जिसने सूट फाइल किया वो बार में होता है और वो बार तो एक पक्षीय निर्णय होगा इसी का उल्टा ले लीजिए प्लेटिव ने सूट फाइल किया और डिफेंडेंट के खिलाफ डिफेंडेंट तो न्यायालय में आ गया और जो भी अगली डेट पड़ती है डिफेंडेंट बार बार आता है लेकिन प्लेटिव आना बंद कर दिया तो जो प्लेंटिव नहीं आएगा और डिफेंडेंट आएगा तो सूट का डिसमिसल हो जाएगा ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं डिसमिसल ऑफ सूट वाद का खारिज किया जाना और एक एक्स एक पार्टी डिक्री का मतलब मैटर का एक तरफा डिसाइड कर दिया जाना तो व्हेन प्लेंटिव अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट देन सूट इज टू बी डिसाइडेड एक्स पार्टी ये लिखा हुआ है लेकिन इसी का रिवर्स आप ले लीजिए व्हेन डिफेंडेंट अपीयर्स एंड प्लेंटिव डज नॉट देन सूट इज टू बी डिसमिश फॉर डिफॉल्ट तो ये जो लिखा हुआ है लास्ट पोर्शन सब धारा दो में कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट क्या है तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिक्री नहीं है क्योंकि जैसे मान लीजिए प्लेंटिव ने सूट फाइल किया और प्लेंटिव आना बंद कर दिया और डिफेंडेंट बार बार आता है सूट डिसमिस हो गया तो सूट डिसमिस हो गया तो ये मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है ध्यान दीजिए ये चूंकि प्लेंटिव नहीं आया इसलिए सूट का डिसमिसल हुआ है प्लेंटिव का क्लेम तो है ही वो अपने क्लेम के लिए प्लेंट दाखिल किया हुआ है अपने क्लेम के बारे में सारी बात बोला हुआ है तो प्लेंटिव का क्लेम है उसके क्लेम का निस्तारण होना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पाया तो सूट डिफॉल्ट में डिसमिस हो गया तो डिफॉल्ट में डिसमिस होना मेरिट पे डिसीजन नहीं है अब मान लीजिए वो प्लेंटिव आ जाता है बाद में डिसमिसल के बाद और आकर के सफिसियंट कोर्ट को बताता है कथा है जज साहब हमारा मामला बड़ा जेन्यन है मैं क्यों नहीं आ पाया आपके पास क्योंकि सूट दाखिल करने के तीन चार दिन बाद मेरा सीवियर एक्सीडेंट हो गया था और मैं जो है कंप्लीट बेडरेस्ट में चला गया था डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेडरेस्ट अलाउ कर दिया था इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ पाया मैं वकील भी हायर नहीं कर पाया मैं न्यायालय के जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आ पाया इसलिए हम कृपया हमको क्षमा करें हमारे को आप खारिज करें और हमारे सूट को आप फिर से चला दें यह सफिशियंट काज है क्योंकि आदमी को चोट लग गई हॉस्पिटल में एडमिट है तो पहले वो ठीक होगा कि पहले कोर्ट में आएगा तो इस आधार पे इस मामले का जो अभी डिसमिसल हुआ था इसको कोर्ट सेट असाइड कर देगी इसको बोलते हैं खारिज किए गए वाद को अपास्त किया जाना कोर्ट का जो ये निर्णय था जिसमें खारिज किया था इस आदेश को कोर्ट अपास्त कर देगी अपास्त का मतलब खारिज कर देगी और फिर से मामले को जिंदा कर देगी और प्लेंटिव को फिर से बुला लेगी डिफेंडेंट भी आएगा फिर से मामला सुनवाई पे चला जाएगा तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट से कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं होता है आदेश नौ में लिखा हुआ है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के बाद अगर प्लेंटिव आता है सफिशियंट काज बताता है तो उसके सूट को फिर से रिवाइव करा दिया जाएगा इसलिए डिस्मिसल फॉर डिफॉल्ट भी डिक्री नहीं है ठीक है ना तो ये था डिक्री का डेफिनेशन धारा दो सब धारा दो में तो अभी हम लोगों ने डिक्री का डेफिनेशन देखा हम लोगों को डिक्री और निर्णय दो चीज देखना है तो डिक्री के डेफिनेशन में हम लोगों ने देख लिया डिक्री क्या है मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं डिक्री की डेफिनेशन जो धारा दो सब धारा दो में दी गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसके चार भाग हैं

Uh, it shall deem to include the rejection of प्लेट and any determination under section 144. फोर्टी फोर तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि यह प्रीमरी भी हो सकती है फाइनल भी हो सकती है पार्टली प्रीमिमली पार्टली, पार्टली फाइनल भी हो सकती है और लास्ट वाले पोर्सन में हम लोगों ने देखा डिक्री के डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आएगा तो हम लोगों ने देखा डिक्री के डेफिनेशन में अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं आएगा और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट नहीं आएगा तो ये पूरे डिक्री के डेफिनेशन के बारे में चार पोर्शन हो गया तो हमको मैं उम्मीद करता हूं कि डिक्री की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपको कम्युनिकेट करने का प्रयास किया मैं आप तक पहुंच गया हूँ आपने भाषा के माध्यम से अब दूसरा देखिए धारा दो सब धारा नौ इसमें निर्णय की परिभाषा है जजमेंट जिसको बोलते हैं ये बड़ा छोटा सा परिभाषा है इसमें इतना तामझाम नहीं है जितना अभी हम लोगों ने डिक्री के डेफिनेशन में देखा था ये बड़ी छोटी सी परिभाषा है ये बोलती है स्टेटमेंट ऑफ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और जजमेंट ध्यान दीजिए स्टेटमेंट ऑफ जज जज का कथन निर्णय है जज का कथन जो डिक्री और आदेश पे आधारित है ये निर्णय है अब ध्यान दीजिए जज का कथन ये स्टेटमेंट है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन एड जुडिकेशन यह सब बात तो है ही खैर लेकिन ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कैसा होगा कथन लंबा होगा कथन का एक लंबाई चौड़ाई होगा कथन का एक डिस्क्रिप्शन होगा कथन का एक इतिहास होगा तो इसलिए कथन में सारी कुछ चीजें आ जाती हैं जब जज साहब का कथन है इसका मतलब इस मुकदमे से संबंधित सारा जज का स्टेटमेंट निर्णय हो जाएगा इसीलिए मैं आपको शुरू में बताया था डिक्री क्रक्स है क्योंकि डिक्री डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है 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 एडजुडिकेशन पॉइंट पे और कंक्लूसिव है। तो का बड़ा छोटा सा फॉर्मेट है जब जजमेंट की आप बात करेंगे जज साहब का कथन है अब ये कथन है तो बहुत बड़ा है इसमें सारी बातें मुकदमे से संबंधित लिखी हुई है तो क्या लिखी होंगी इसमें इसमें सबसे पहले जज साहब जब निर्णय लिखेंगे हेडिंग देंगे निर्णय निर्णय में सबसे पहले पहला पैरा पहले पैरे में प्लेंटिव का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कौन प्लेंटिव है यह कहां से आया है इसने किस चीज के लिए मुकदमा दाखिल किया है इसके क्या क्या क्लेम है यह सब कुछ वो लिखेगा फर्स्ट पैरा में यह लिखने के बाद पैरा चेंज कर देगा पैरा चेंज कर नेक्स्ट पैरा में लिखेगा कौन डिफेंडेंट है यह कहां का रहने वाला है यह अपने डिफेंस में क्या क्या बात रिटर्न स्टेटमेंट में लेके आया है तो उसके सारे डिफेंस का जो जो समरी होगा वो सेकेंड पैरा में होगा अब जब प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिए जज साहब इसके बाद जब साहब पैरा चेंज करेंगे और विवादक लिखेंगे क्या है? तो प्लेंट और रिटेन दी दी इस इस दी दी तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ एंड स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड कोर्ट कोर्ट लॉ बताएगी ये सारे इसमें विवाद्यक हैं तो विवादक एक विवाद्यक दो विवादक तीन विवादक चार विवाध्यक पांच जितना भी होगा विवादक तीन तरीके के होते हैं एक को हम बोलते हैं विधि का विवादक इशू ऑफ लॉ दूसरे को हम बोलते हैं तथ्य का विवाद्यक इशू ऑफ फैक्ट और तीसरे को हम बोलते हैं मिक्सड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट विधि और तथ्यों का मिश्रित विवादक तो तीन तरीके के इसमें स्थापित किए जाते हैं जो आप देखेंगे सीपीसी के आदेश में लिखा हुआ है तो आदेश में सारी बातें तो विवादक इस तरीके से फ्रेम किया जाता है हम लोग विवादक का एक टॉपिक है आगे जो एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विवादक क्या है तो उसमें हम सबको बड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर आप जाने निर्णय में फिर विवादक लिखेंगे तो सबसे पहले प्लेंटिव का प्लेंट इसके बाद डिफेंडेंट का डिफेंस इसके बाद जो विवादक है वो लिखेंगे अब हर एक पे कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी और हर विवादक में प्लेंटिव के क्या एविडेंस एविडेंस और और विटनेसेस विटनेसेस आए आए डिफेंडेंट के क्या और ये सब का डिस्क्रिप्शन कोर्ट लिखेगी और हर एक का अलग अलग लाइन में कंक्लूड करेगी कि ये प्लेंटिव के फेवर में डिसाइड हुआ है डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड हुआ है ऐसे करते करते सारे विवादकों की बात लिख देगी और लास्ट में कोर्ट लिखेगी आदेश उस आदेश में दो लाइन का आदेश होगा जिसमें कोर्ट लिखेगी अतः उपरोक्त कथन के आधार पे, चूंकि यह, यह जज का कथन है जज का स्टेटमेंट है उपरोक्त कथन के आधार पे यह मामला वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में या वादी के विपक्ष में और प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है ऐसा जज साहब लिखेंगे उसमें अपना सिग्नेचर कर देंगे सील लगा देंगे डेट डाल देंगे तो ये एक पेज दो पेज तीन पेज चार पेज पांच पेज कितने भी पेज का हो सकता है बहुत ऐसे जजमेंट हैं भारत के इतिहास में अगर आप न्यायिक इतिहास में देखेंगे तो छह सौ सात सात सौ पेज के मैंने सात आठ सौ पेज के भी जजमेंट हैं आपके पास केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला नाइनटीन बड़ी लीडिंग जजमेंट है जिसमें तेरह जज ने एक साथ इसको डिसाइड किया था ये मोर देन सिक्स हंड्रेड पेजेज का जजमेंट है तो एक तरीके से वो पीएचडी की डी से के तीन पीएचडी एक साथ हो जाएंगे उसमें ठीक है ना तो जजमेंट बड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है कई पेजेज और पेजेस का जजमेंट होता है ठीक है ना तो जजमेंट में कोई लिमिट नहीं है कितने में जाएगा जैसा मामला है जैसे गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें लॉ के क्या क्या प्रिंसिपल हैं ये सब कुछ लिखते हुए मामले को कंक्लूड किया जाता है अगर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और जूडुसपूडेंस की भी बात आ जाएगी अगर वो मामला साधारण निचली अदालत का है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो उसमें जूडुस्पोडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ना आकर के इंस्टीट्यूटरी प्रोविजन पे वो कन्फाइंड होते हैं जिसमें सी पी एविडेंस है अपकृत्य विधि है या अगर क्रिमिनल लॉ है तो वो फिर आई की बात करते हैं और उस हिसाब से जजमेंट होता है तो उसमें ज़्यादा संविधान और विधि शास्त्र की बात नहीं होती तो इनके जजमेंट थोड़े छोटे होते हैं लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जहाँ पे फिलासफी की बात आ जाती है कानून के दर्शन की बात आ जाती है तो जजमेंट लंबा हो जाता है

इसका फॉर्मेट क्या होगा कब तक निर्णय प्रस्तुत करना होगा कब तक डिक्री प्रस्तुत करना होगा डिक्री और निर्णय का क्या प्रभाव होगा सीपीसी के कानून में ये सारी बातें हम लोग देखेंगे तो देखिए धारा 33 लिखा हुआ है प्रक्रिया में धारा 33 धारा 33 क्या बोलता है धारा 33 में लिखा हुआ है कि आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आफ ट्रायल जैसे ही सिविल कोर्ट का विचारण हो जाएगा सिविल कोर्ट के विचारण के बाद कोर्ट इसमें अपना निर्णय सुनाएगी और इसके बाद डिक्री भी सुनाएगी तो निर्णय और डिक्री पहले निर्णय आएगा इसके बाद डिक्री आएगी और लिखा हुआ है डिक्री सेल फॉलो दी जजमेंट अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे इसका धारा थर्टी थ्री का तो डिक्री सेल फॉलो दी जजमेंट ये टर्म लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब डिक्री सेल फॉलो दी जजमेंट डिक्री जजमेंट को फॉलो करेगी डिक्री जजमेंट का अनुसरण करेगी निर्णय का अनुसरण करेगी इसका क्या मतलब मान लीजिए निर्णय प्लेंटिव के फेवर में हुआ है वादी के फेवर में हुआ है तो डिक्री किसके फेवर में होगी क्या डिफेंडेंट के फेवर में हो जाएगी ना जिसके पक्ष में निर्णय हुआ है उसी के पक्ष में डिक्री होगी इसका यही मतलब है तो जिस क्रक्स है बस डिक्री और जजमेंट के इतर तो जाएगी नहीं जजमेंट का क्रक्स होगी तो अगर जजमेंट प्लेंटिव के फेवर में है तो ऑब्वियसली

रूल ये सारे रूल डिक्री और जजमेंट की बात करते हैं इसके अलावा ये है कि भाई किसमें प्रिमरी सूट होगा किसमें फाइनल सूट होगा वो बात की बात है हम उतना नहीं जा रहे हैं अब ध्यान दीजिए जजमेंट और डिक्री जजमेंट और डिक्री आर्डर ट्वेंटी रूल वन आर्डर ट्वेंटी रूल वन क्या लिखा हुआ है जैसे ही सिविल मामलों का विचारण खत्म हो जाएगा एक में लिखा हुआ है जैसे ही सिविल मामले का विचारण खत्म हो जाएगा कोर्ट सेल प्रोनाउंस जजमेंट एट वंस ध्यान दीजिए कोर्ट सेल प्रोनाउंस जजमेंट एट वंस इन ओपन कोर्ट यह लिखा हुआ है तुरंत विचारण खत्म होने के तुरंत बाद सिविल न्यायालय खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगी खुले न्यायालय का क्या मतलब भाई कोर्ट शुड बी ओपन कोर्ट इसका क्या मतलब क्या जज साहब पेड़ के नीचे बगीचे में बैठ के जजमेंट सुनाएंगे ना खुले न्यायालय का मतलब द द डोर ऑफ कोर्ट इज ओपन फॉर द एक्सेस ऑफ जनरल पब्लिक इसको हम बोलते हैं ओपन कोर्ट ऐसा नहीं है कि न्यायालय में दरवाजा बंद करके बंद कमरे में दो ही लोगों के साथ निर्णय होगा ना ये खुले न्यायालय में होगा उसमें पब्लिक बैठती है नहीं बैठती वो दूसरी बात है लेकिन कोर्ट का दरवाजा पब्लिक के एक्सेस के लिए खुला हुआ है जिसका मन करे वो आए क्योंकि ये ओपन कोर्ट है अच्छा जब किसी के भी सामने निर्णय सुनाया जाएगा तो हम इसको उम्मीद करते हैं कि यह इम्पार्शियल निर्णय होगा इसमें कोई भी द्वेष नहीं होगा इसमें किसी के प्रति कोई झुकाव नहीं होगा इम्पार्शियल जजमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस तो चूंकि इम्पार्शियल जस्टिस है चूंकि फेयर जस्टिस है आप देखे होंगे जो न्याय की देवी है ना उसके आंख पे पट्टी बधी हुई है उसके हाथ में तराजू है ऐसा क्यों है कि गाडेस साहब जस्टिस के आंख पे पट्टी और हाथ में तराजू आंख पे पट्टी इसलिए नहीं है कि कानून अंधा है लूजली स्पीकिंग हम बोल देते हैं कानून अंधा है ना ना कानून को सब कुछ दिखता है कानून के आंख पे पट्टी इसलिए बंधी हुई है कि उसको यह ना पता चले कि उसके सामने कौन खड़ा है नहीं तो कानून प्रभावित हो जाएगी अगर मान लीजिए उसके सामने प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया और उसका जो अपोजिट पक्षकार है वो कोई छोटा आदमी है तो कानून ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर से प्रभावित होकर के उसके फेवर में निर्णय कर दे इसलिए कानून की आंख में पट्टी बधी हुई है कानून इस पोजीशन में नहीं है कि वो देख सके उसके सामने कौन है तो कानून किस आधार पर डिसाइड करेगी उसके हाथ में तराजू है जिधर आप एविडेंस ज्यादा देंगे साक्ष्य जिधर ज्यादा जाएंगे जिसका पलड़ा नीचे होगा वो मुकदमा जीत जाएगा इसको हम सिविल मामले में बोलते हैं प्री पॉन्ड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल संभावनाओं के अधिकता का सिद्धांत जिधर संभावनाएं अधिक होंगी वो मुकदमा जीत जाएगा तो ये है गॉडेस ऑफ जस्टिस आपकी जो उसका सिंबल है ये डिक्लेयर इंडिकेट करता है कि इम्पार्शियल जस्टिस है इसीलिए इस रूल में लिखा हुआ है कोर्ट मस्ट बी ओपन कोर्ट सो दैट उसमें पब्लिक के एक्सेस के लिए कोई बंदिश नहीं है जिसका मन करेगा वो आएगा सबके सामने निर्णय सुनाया जाएगा क्योंकि ये तो फेयर जस्टिस है इसमें किसी भी तरीके के पैसे रुपए पर्सनल बायस पिकुनरी बायस इसका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस इज इम्पार्सियल सी इज नॉट इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई उनके सामने कौन खड़ा है उंसिसन on तो में, में नहीं है क्योंकि जज साहब के पास बहुत केसेस पड़े हुए हैं मैं आपको बताऊँ मैं जुडिशियल था मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको, आपको मैं में बैठता था तो दो, -दो सौ फाइल होती थी में, एक दिन में अब दो सौ फाइल जब आप एक दिन में देखेंगे तो क्या आप निर्णय अगर आज किए तो आज ही निर्णय लिख पाएंगे ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ढाई तो सिग्नेचर करना पड़ता है पेशकार आपके सामने लेके आएगा आप केवल चिड़िया बैठाने में दो घंटा लग जाता है क्योंकि ढाई फाइल भी आपको साइन करना है क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली देखा हूं बैठ को कोर्ट में एज ए मेजिस्ट्रेट एज जा ए सिविल जज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा ही पेंडेंसी हो जाती है और फाइल बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसमें ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ट्रायल आज खत्म हो गया तो आज ही निर्णय सुना दिया जाएगा नहीं सुना पाएंगे उनके पास टाइम नहीं है तो इसीलिए हालांकि लिखा हुआ है रूल वन में कि सुन ट्रायल इज ओवर कोर्ट कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट एट तुरंत सुनाएगी इन ओपन लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ है अगर कोर्ट इस पोजिशन में नहीं है कि एट निर्णय सुना सके तो कोई बात नहीं है जज साहब इसको कंक्लूजन ऑफ ट्रायल से तीस दिन के अंदर कभी भी सुना देंगे ये लिखा हुआ है तीस दिन के अंदर कभी भी सुना देंगे तो थर्टी डेज का टाइम दिया गया है टेकिंग इन टू कंसिडरेशन पेंडेंसी क्योंकि हमारे पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो हमको तीस दिन का कंसेशन देता है कानून

अगर तीस दिन में नहीं तो सामान्य तौर पर साठ दिन में तो सुना ही दे सामान्य तौर पर लेकिन अगर असामान्य परिस्थिति है तो साठ दिन के बाद भी सुनाएगा अब साठ दिन के बाद कब सुनाएगा ये उसका डिस्क्रिप्शन है जैसे उसको टाइम मिलेगा वैसे सुनाएगा तो ये लिखा हुआ है जजमेंट कब तक सुनाना है आपको तो सामान्य तौर पे तुरंत नहीं तो तीस दिन और नहीं तो साठ दिन और नहीं तो साठ दिन के भी बाद ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए जब जज साहब ये जजमेंट सुनाएंगे तो मान लीजिए सौ पेज का जजमेंट है तो क्या जज साहब ये पूरा सौ पेज पढ़ेंगे लोगों के सामने ओपन कोर्ट में और पार्टीज को बुला करके तो जब जजमेंट जिस दिन सुनाया जाएगा उस दिन पार्टीज को नोटिस तो जरूर होगी ये लिखा हुआ है उसमें रूल वन में ही आर्डर बीस के रूल वन में लिखा हुआ है दोनों पार्टीज को नोटिस होगी प्लेंटिव और डिफेंडेंट को वो या उनके काउंसिल जरूर आएंगे जनरली पार्टीज को ही पर्सनल अपियरेंस बुलाया जाता है कि आप आए चूंकि आज निर्णय का दिन है तो आप सुने किस आपके फेवर में है अगेंस्ट में है क्यों है फेवर अगेंस्ट में सब कुछ तो उनको बुलाया जाता है वाके बैठे रहते हैं उनके सामने जज साहब निर्णय सुनाते हैं लेकिन वाले जो सौ पेज का जजमेंट है और जज साहब पूरा सौ पेज अगर पढ़ने लगेंगे तो, तो तीन चार घंटा उसी में लग जाएगा तो एक निर्णय पढ़ने में उनको तीन चार घंटा लग जाएगा और कितने मामले पेंडिंग है उनके पास तो इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि कोई जरूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन पूरा आपको पढ़ के सुनाना है नहीं आप मेन मेन पॉइंट को फोकस करके फटाफट बता दीजिए ऑपरेटिव पार्ट इसको बोलते हैं तो ओनली ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट इज टू बी बीड आउट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ बाय द जज बस ऑपरेटिव पार्ट और जो इस तरीके के पार्ट हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं जो प्लांट में क्या है सभी लोग जानते हैं उसको नहीं पढ़ेंगे फाइंडिंग पे आएंगे सीधे सीधे विवादक थे इस विवादक में में पहला दूसरा तीसरा फाइंडिंग क्या है और लास्ट में आर्डर क्या है तो दो चार पांच मिनट लगेगा जज साहब पूरी बात बता देंगे बस क्रक्ट सुनाना है अगर छोटा जजमेंट है जज साहब पढ़ना चाहते हैं पढ़ के भी सुना सकते हैं कोई बात नहीं है लेकिन उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है यह लिखा हुआ और ये जो जजमेंट की कॉपी होगी ये साइन किया जाएगा जज साहब के द्वारा और साइन करके अगर पार्टी इंटरेस्टेड है तो उसको दे भी दिया जाएगा अब वो जब लेगी पार्टी तो उसका पैसा जमा करेगी जैसे मान लीजिए बीस पेज का जजमेंट है और एक पेज का कितना पैसा है हाईकोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है अगर मान लीजिए एक पेज का दस रुपया है तो बीस पेज का जजमेंट है तो उसमें दस से गुड़ा कर दीजिए जितना पैसा होगा बीस दाह में दो सौ तो दो सौ रुपया जमा करेंगे तब इनको जजमेंट की कापी मिलेगी तो आफ्टर पेमेंट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट विच बाय द हाई कोर्ट रूल्स उनको जजमेंट की कापी दे दी जाएगी ऐसा लिखा हुआ है तो जजमेंट साइन होगा साइन होकर के उसकी कापी उनको दे दी जाएगी तो ये जजमेंट की बात है हम लोगों ने क्या देखा जजमेंट ऐसे और इतने दिन में सुनाया जाएगा और इसको ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा और सामान्य तौर तो पे पार्टियों को बुला करके उनके सामने सुनाया जाएगा सामान्य तौर तो पे इसको पढ़ा जाएगा लेकिन अगर टाइम नहीं हो तो केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा और इस तरीके से जजमेंट सुना दिया जाएगा अब ध्यान दीजिए जजमेंट जो है ये मान लीजिए जजमेंट हो गया आज तो अब जज साहब को डिक्री भी साहब इसमें ड्रॉन अप करनी है डिक्री भी बनानी है इसमें क्योंकि सेक्शन थर्टी थ्री में लिखा हुआ है जजमेंट और जजमेंट के बाद डिक्री और डिक्री सेल फॉलो दी जजमेंट मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया तो जजमेंट के बाद डिक्री भी आएगी अब क्वेश्चन है कि जजमेंट तो जज साहब मान लीजिए तुरंत सुना दिए या तीस दिन के अंदर सुना दिए या साठ दिन के अंदर सुना दिए सुना दिया जजमेंट को लिख भी दिया अच्छा जजमेंट लिखा कैसे जाता है मैं आपको बता दू जजमेंट लिखने के लिए ना शार्ट हैंड राइटर्स होते हैं कोर्ट में तो जज साहब बोलते जाएंगे फटाफट ऐसा नहीं है जज साहब को लेकर के कलम बैठ जाना है या कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करना है कहीं कहीं टाइप भी करना है जहाँ पे इंप्लाइज़ की कमी है वहाँ पे ये भी रिस्ट्रेंट और कंस्टेंट है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है लेकिन मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि शार्ट हैंड राइटर्स अवेलेबल हैं और जज साहब उसको बोलेंगे फटाफट बोलते जाएंगे और वो बस फटाफट शार्ट हैंड में लिखेगा इसके बाद जाएगा वो टाइप करेगा टाइप लिया के जज साहब को देगा जज साहब एक बार गो थ्रू करेंगे सब कुछ सही है तो उस पर साइन कर देंगे इस तरीके से होता है तो शार्ट हैंड राइटर को डिक्टेट करा जाता है ओपन कोर्ट में और वो जाकर के टाइप करके जज साहब को देता है ठीक है ना तो ऐसे जजमेंट को डिक्टेशन होता है और उसका टाइपिंग होती है और जज साहब उस पर साइन कर देते हैं ये अब जजमेंट मान लीजिए हो गया तो जजमेंट होने के बाद डिक्री ड्रॉन क्वेश्चन है कि डिक्री कितने दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट कितने दिन में डिक्री तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट विद इन फिफ्टीन डेज ध्यान दीजिए पंद्रह दिन में अब आज जज साहब ने जजमेंट सुना दिया हमारे मामले में तो आज से पंद्रह दिन का उनका टाइम है हालांकि यह भी वैसे ही लिखा हुआ है कि कोर्ट इन इंडेवर टू ठीक है ना कोर्ट प्रयास करेगी कि फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट विद इन फिफ्टीन डेज कोर्ट डिक्री डरान कर कोर्ट प्रयास करेगी तो कोई मैंडेटरी प्रोसीड क्योंकि फिर भी मैं आपको बताया जस्ट आपके पास बड़ी पेंडेंसी है आप उसको इसे कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं पंद्रह दिन में वो सुनाई नहीं उनको बहुत काम है तो पंद्रह दिन का सोलह दिन भी हो सकता है पंद्रह दिन का तीस दिन भी हो सकता है लेकिन सामान्य तौर तो पर गाइडलाइंस है कि आप पंद्रह दिन में इसको सुना दें प्रयास करें आप पंद्रह दिन में सुना दें और उसको डिक्री भी मिल जाए तो डिग्री मिल जाए अब डिक्री में कुछ नहीं होता डिक्री क्रक्स होती है जजमेंट की जो जजमेंट में लिखा वही डिग्री में लिखा होगा लेकिन ध्यान दीजिए जब आपको डिक्री मिल गई

लेकिन मुझे मेरे अगेंस्ट जजमेंट हुआ है मुझे अपील फाइल करनी है और अपील का लिमिटेशन दस दिन है या अपील का लिमिटेशन बीस दिन है तो जज साहब तो अभी डिक्री प्रिपेयर करेंगे हमारा तो दस दिन में लिमिटेशन बीत जाएगा दस दिन के अंदर हमको अपील फाइल करनी है नहीं तो हम अपील ही नहीं फाइल कर पाएंगे तो हम अपीलेट कोर्ट में चले जाएंगे किस चीज को लेके जाएंगे जजमेंट की कॉपी लेके जाएंगे क्योंकि जजमेंट सेल बी ट्रीटेड एज डिक्री तो ये इसमें जजमेंट को डिक्री मानते हैं कब तक जब तक डिक्री ड्रॉन नहीं होती है लेकिन जैसे ही डिक्री ड्रॉनअप हो जाएगी जजमेंट है सीज टू हैव इफेक्ट Now, आपको कोई भी एक्शन लेना है देन यू हैव टू प्रोड्यूस कॉपी ऑफ डिक्री ओनली एंड यू आर नॉट परमिटेड टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ जजमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ तो इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे ठीक है ना तो जजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिक्री और कब जजमेंट है, है तो ये सारे इस सब रूल्स में बताए गए हैं तो ऐसे आपके जजमेंट लिखे जाएंगे इतने दिन में लिखे जाएंगे और ऐसे डिक्री लिखी जाएगी इतने दिन में लिखी जाएगी तो ये जो पूरा हम लोगों ने प्रोसीजर देखा जजमेंट और डिक्री की बात देखा अब आगे जब आर्डर ट्वेंटी में आप देखेंगे तो इसमें यह लिखा हुआ है कि किसमें प्रारंभिक डिक्री पास होगी और किसमें अंतिम डिक्री पास होगी तो जनरली आप देखेंगे पूरे सीपीसी का जो फीचर है ना ये फाइनल डिक्री की बात करता है ये प्रारंभिक डिक्री की बात नहीं करता पूरे सीपीसी में जब भी डिक्री होगी तो फाइनल होगी कभी कभी और कुछ सिचुएशन में सिविल कोर्ट प्रारंभिक डिक्री भी पास कर सकती है दो ऐसे प्रावधान है पूरे सीपीसी में जहां प्रारंभिक डिक्री की बात है नहीं तो पूरी सीपीसी में फाइनल डिक्री की बात है आप देखेंगे 20 और 34। बस दो ही है पूरे सीपीसी में आउट ऑफ यही दो ऑर्डर है जिसमें प्रारंभिक डिक्री का है अब आर्डर बीस के रूल बारह से आप देखते जाएंगे बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ये पूरा रूल्स है आर्डर बीस का जिसमें प्रारंभिक डिक्री की बात है किन मामलों में कोर्ट पहले प्रारंभिक डिग्री पास कर सकती है और फिर अंतिम डिग्री पास कर सकती है हो सकता है कि इन मामलों में भी कोर्ट सीधे फाइनल डिग्री पास कर दे हो सकता है लेकिन इसमें कोर्ट को रिलैक्सेशन है कोर्ट को मन करे तो पहले प्रारंभिक पास करे फिर फाइनल पास करे तो ऑर्डर बीस रूल बारह से लेके अठारह तक इसी तरीके से 34 है जिसमें कुछ रूल्स हैं हैं बिगनिंग के रूल्स रूल्स उन में भी ये प्रतिपादित है कि अगर कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट पहले प्रारंभिक डिग्री पास करेगी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सूट है एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसमें मन करेगा तो पहले प्रारंभिक डिग्री पास करेगी और प्रारंभिक होने के बाद उसको डिटरमाइन करने के बाद बाद में फाइनल डिग्री पास करेगी तो यही दो प्रावधान है पूरी सीपीसी में जिसमें प्रारंभिक डिग्री की बात है नहीं तो हमेशा का हमेशा सीपीसी में फाइनल डिग्री पास होती है जैसे सूट फॉर पजेशन एंड मीन प्रॉफिट पजेशन एंड मीन प्रॉफिट मैं कहता हूं यह प्रॉपर्टी हमारी है हमको दिलवा दिया जाए और जो रंगफुल पजेसर है जो जितने समय से इसने रंगफुल पजेशन लिया है और रंगफुल पजेशन के दौरान जो भी प्रॉफिट ले लिया है प्रॉफिट भी हमको दिलवा दिया जाए तो पजेशन के लिए ओनरशिप डिसाइड होगा तो ओनरशिप फाइनल डिसाइड हो जाएगा लेकिन जहां तक मीन प्रॉफिट का सवाल है कि उसने कितना पैसा रिसीव किया ड्यूरिंग रांगफुल पोजेशन ये कैसा होगा

फाइनल डिग्री पार्टली प्रमिनी एंड पार्टली फाइनल डिग्री तो ये जो धारा आदेश 20 है जिसमें रूल 12 से 18 तक है इसमें पार्टली प्रमरी पार्टली फाइनल की बात है इसी तरीके से आदेश 34 है इसमें पार्टली प्रमिनी पार्टली फाइनल की बात है या प्रलिमिनी की बात है या फाइनल की बात है तो यही दो ऐसे प्रावधान है जहां पर प्रारंभिक डिग्री के कॉन्सेप्ट आते हैं नहीं तो आपका एकदम से माइंड इसमें क्लियर होना चाहिए कि पूरी सीपीसी केवल और केवल फाइनल डिग्री की बात करती है तो ये पूरी बात थी हमारी डिक्री और निर्णय के बारे में जो भी प्रावधान है सीपीसी के तहत उसको मैंने आपको साधारण भाषा में बताने का प्रयास किया अब ध्यान दीजिए ये डिक्री और निर्णय की जरूरत क्या है डिक्री और निर्णय की मुकदमे में बहुत जरूरत है क्योंकि जब तक आदेश कोर्ट का नहीं आएगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा आज्ञप्ति नहीं आएगी तब तक सिविल मामले का निस्तारण हो ही नहीं सकता और सिविल मामले का निस्तारण एक सर्टेन वर्डिक्ट के साथ होना चाहिए ताकि पता चले कि यह मामला जो डिसाइड हुआ है हमारे फेवर में कि आपके डे आपके फेवर में क्योंकि कोर्ट का काम ही है न्याय तो कोर्ट न्याय निर्णय कैसे करेगी तो यही डिक्री और जजमेंट एक तरीका बताया गया है एक तरीका बताया गया है जिसके तहत कोर्ट अपने न्याय निर्णय को सिक्योर करेगी ठीक है ना तो ये हम लोगों को जानने की जरूरत है कि अगर इंस्टीट्यूट में आया है डिक्री और जजमेंट तो इसको आने की क्या जरूरत है तो इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि सर्टेनिटी ऑफ जजमेंट लास्टली एक फाइंडिंग होनी चाहिए सर्टेन जजमेंट होना चाहिए एक मैग्जिम चलती है लॉ में जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस्टलिटियम यह राज्य के हित में है कि मुकदमे का अंत होना चाहिए ध्यान दीजिए तो मुकदमे का अंत कैसे होगा जब इस पर जजमेंट होगा जब इस पर डिक्री होगी तो मुकदमे का अंत हो जाएगा तो मुकदमे का अंत होना चाहिए और अंत होने के लिए जजमेंट और डिक्री है. और मुकदमे का अंत क्यों होना चाहिए राज्य के हित में क्यों है क्यों यह मैगजिम है इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस्लिटियम क्योंकि राज्य का यह दायित्व तो है कि हमारे लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे हम सरकार चुनते हैं हम सरकार चुन करके बैठाते हैं कुर्सी पे उत्तर प्रदेश में अगर हमने भाजपा की सरकार चुना और योगी आदित्यनाथ जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया या दिल्ली में हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और भाजपा की सरकार को चुना तो हम सारे लोग जो 140 करोड़ देशवासी हैं हमने क्यों इनको चुना है हमने इसलिए नहीं चुना कि आर्नामेंटल लोग हैं दिल्ली में बैठ करके हमको रूल करेंगे रूल नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में वो रूलर नहीं है

बाई पासिंग ऑफ डिक्री बाई पासिंग ऑफ जजमेंट एंड बाई पासिंग ऑफ ऑर्डर तो ये जो डिक्री जजमेंट और ऑर्डर हम देख रहे हैं साधारण बात नहीं है इसके पीछे पूरे स्टेट की फिलोसफी भी है अगर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक सेटअप भी है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है तो ये सब इसकी बैकिंग है इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है लेकिन आप जाने की जो हम प्रावधान पढ़ रहे हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और विधि शास्त्रीय बैकिंग क्या है तो ये इसकी बैकिंग है तो इस तरीके से मैं समप्त करूं हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने निर्णय और डिक्री की परिभाषा में देखा और इसके प्रारूप में देखा इसके प्रक्रिया में देखा कि डिक्री की परिभाषा है निर्णय की परिभाषा है डिक्री और निर्णय कैसे प्रतिपादित किए जाएंगे इसका प्रोसीजर और प्रारूप बताया गया है धारा दो सब धारा दो में डिक्री की परिभाषा है जो चार भागों में है परिभाषा प्रकार डिम डिक्री और एक्सेप्शन धारा दो सब धारा नौ में निर्णय की परिभाषा है जिसमें बताया गया है कि जस साहब के स्टेटमेंट को हम निर्णय बोलते हैं और इसके बाद जब धारा 33 में आप आएंगे तो निर्णय और डिक्री दोनों की बात करता है और यह बोलता है कि कब निर्णय और कब डिक्री और डिक्री सेल्फ फॉलो दी जजमेंट और जब आप आदेश बीस की बात करेंगे तो उसमें प्रक्रिया बताई गई है तो इसमें रूल एक से लेकर छह कैपिटल ए तक डिक्री और जजमेंट के इशू करने की प्रक्रिया बताई गई है इस प्रारूप पे ऐसे इतने दिन में डिक्री और जजमेंट इशू किया जाएगा ये लिखा हुआ है और लास्ट के जो रूल्स हैं रूल बताते हैं कि कौन मामले में प्रारंभिक डिक्री किस मामले में अंतिम डिक्री अकॉर्डिंगली पास की जाएगी तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने इन तीन चार लीगल प्रावधानों के हिसाब से सीपीसी के प्रावधानों के हिसाब से देखा और मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कि डिक्री क्या है निर्णय क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है इसका प्रारूप क्या है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और हमारी भाषा आपको समझ में आई होगी और ये लीगल प्रावधानों को मैं आपको एक्सप्लेन करने में सक्षम हुआ होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ तो इस उम्मीद के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से धन्यवाद और मैं अगले मॉड्यूल में अगले लेक्चर में इसी विषय पर फिर आपके साथ मिलूँगा धन्यवाद और थैंक यू thank you Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier now this piece of criticism is particularly damaging because it is true none of shakespeare's plays contain any original story whatsoever they are all written using pre-existing materials pre-existing stories now does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.